हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीएच क्लासेस ऑफ फ्रेंड्स। आज हम जो 2014 का पेपर था उसके 1 to 6 से 150 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन को एजुकेशन यू वुडेंट ऑप्शन ए मेक सेपरेट रोज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, बी यू गिव प्रेफरेंस टू बॉयज ओवर गर्ल्स, यू गिव प्रेफरेंस टू नन, या यू डील अकॉर्डिंग टोंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल इज रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन और इमिटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एजुकेशन। जो सोशलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है एजुकेशन के थ्रू किसी को सोशलाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग, गुड रीडिंग का मेन एम क्या होता है बच्चे के अंदर डेवलप करना, तो वो है ऑप्शन नंबर वन, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचर ऑफ चिल्ड्रन आर लाइक इमिटेटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, डिस्ट्रक्टिव। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है नंबर वन, दैट इज इमिटेटिव। जो बच्चे होते हैं उनका इमिटेटिव बिहेवियर होता है या फिर नेचर होता है, मतलब जो कोई और कर रहा हो तो उसे देख के वो सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ टीचर कैन इम्प्रूव द अटेंशन ऑफ अ स्टूडेंट। एक टीचर है बच्चे की अटेंशन को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, बाय सेल्फ मॉनिटरिंग, मॉनिटराइजिंग बाय हेडमास्टर या प्रिंसिपल, बाय ऑब्जर्वेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, बाय इंट्रोड्यूसिंग इंटरेस्टिंग वेज ऑफ टीचिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि टीचर एक बच्चे की अटेंशन को इम्प्रूव कर सकता है अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग नए नए टीचिंग वेज को इंक्लूड करके, नए तरीके से पढ़ाना। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वॉज फाउंड टू बी हार्शिंग अदर स्टूडेंट। एक बच्चा है उसको एक ग्रुप के बच्चे उसे हार्श कर रहे हैं, उसको मतलब मार रहे हैं, पीट रहे हैं या फिर उसको बुलिंग कर रहे हैं, तो आप एज अ टीचर आपका क्या रिएक्शन होगा। जो बच्चे बुली कर रहे हैं उन्हें पनिश करना, उनको घर भेज देना और उनके पेरेंट्स को बुलाना, या फिर ऑप्शन नंबर सी काउंसिल द स्टूडेंट्स इंडिविजुअली। जो भी उस ग्रुप के बच्चे हैं जो बुली कर रहे हैं उन सबको इंडिविजुअली आपको काउंसिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या यूनिट है, तो वो होती है जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है लैंग्वेज के अंदर, तो वो होती है हमारी मॉर्फिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर 75 इन एन आईक्यू टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी। एक बच्चा है उसको जो 16 साल का बच्चा, वो आईक्यू टेस्ट में उसका 75 स्कोर आया, तो उसकी मेंटल एज क्या होगी। तो यहाँ पे क्या होगा 16 × 75/100, तो ये 25 × 3 = 25 × 4 =, तो 4 से 16 गया 4 टाइम्स, तो जो 4 × 3 = हो जाएगा 12। तो उस बच्चे की जो मेंटल एज हो जाएगी वो किसी है वो 12 इयर्स के अकॉर्डिंग है उसकी मेंटल एज। नेक्स्ट इज वाइगोट्स्की थ्योरी इम्प्लाइज, जो वाइगोट्स्की की थ्योरी थी वो क्या इम्प्लाई करती है। चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपैरेटिव ऑफ चिल्ड्रन हैविंग आईक्यू लेसर देन हिज, कि बच्चा जब ज़्यादा सीखेगा जब वो अपने आईक्यू से कम लेवल के आईक्यू के बच्चों के साथ पढ़ रहा हो, ठीक है। या फिर ऑप्शन नंबर बी कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मतलब कोलैबोरेटिव सारे जो बच्चे आपस में मिलजुल के पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके अंदर ज़्यादा सीखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं आर नॉन असिस्टिव ऑफ देयर नीड्स, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर, इंट्रोवर्ट इन नेचर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने जजमेंट में इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, तो फाइन मोटर स्किल्स का कौन सा एग्जाम्पल है। फाइन मोटर में जहाँ पे हमारे जो स्मॉल मसल्स होते हैं वो काम करती हों, तो फिर क्लाइंबिंग, हुपिंग, रनिंग, राइटिंग। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है राइटिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो सक्सेसफुल इंक्लूजन हो किसी भी चीज़ में तो उसके अंदर कौन सा इनमें से नहीं होता। तो पहला है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। नेक्स्ट इज कैपिटेटिव बिल्डिंग, सी सेंसिटाइजेशन, या फिर डी सेग्रीगेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सेग्रीगेशन।
नेक्स्ट इज हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के फादर कौन थे? तो वो थे फ्रेंड्स हमारे ऑप्शन नंबर 1 दैट इज जीन पियाजे। नेक्स्ट इज द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज, जो 12 साल का बच्चा उसके लिए बेस्ट जगह कहाँ पर होगी जहाँ पर सोशल डेवलपमेंट कर सके? नेबरहुड, फैमिली, प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड के अंदर ही उस ज़्यादा सोशल डेवलपमेंट हो पाएगी एक 12 साल के बच्चे की। नेक्स्ट इज द पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर एडेप्टेशन ऑफ अ प्याजे एज, जो सेंसरी मोटर प्याजे के अकॉर्डिंग उसकी एज क्या थी? तो वो थी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 0 to 2 ईयर्स। नेक्स्ट इज दिस इज़ एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर अ टीचर, इनमें से एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या फिर आप कह सकते हो वो मटेरियल जो टीचर को थोड़ा बहुत हेल्प करता है, इनमें से कौन सा है? वर्कबुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, एटलस, करिकुलम गाइडेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में एक टीचर के लिए होता है सप्लीमेंट्री मटेरियल। नेक्स्ट इज द एक्टिविटी टेक्निक इज, इनमें से एक्टिविटी टेक्निक कौन सी होती है? क्लास सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर, स्टूडेंट सेंटर या फिर टीचर सेंटर। तो जो भी हमारी एक्टिविटी टेक्निक्स होती है तो वो हमेशा एक स्टूडेंट सेंटर्ड होती हैं। नॉर्मल चाइल्ड ऑफ 12 ईयर इज मोस्ट लाइकली टू, एक जो 12 साल का बच्चा हो इनमें से कौन सी चीज़ करेगा? हैविंग डिफ़िकल्टी विद ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन, तो नहीं। हैविंग फीलिंग ऑफ एंगजाइटी अबाउट प्लेजिंग एडल्ट्स, एंगजाइटी होगी उसके अंदर कि उसे जो प्लीज करने जो एडल्ट हैं उनको, या कॉन्फाइन हिज इंटरेस्ट टू हेयर एंड नाउ। ऑप्शन नंबर डी बी एगर टू पीयर अप्रूवल। तो इसके अंदर जो पीयर अप्रूवल वाला होता है बच्चे, एक 12 साल का बच्चा पीयर अप्रूवल के लिए जाने जाता है कि उस टाइम वो पीयर अप्रूवल के लिए देखता है कि बच्चे जो मेरे आसपास के ग्रुप के हैं, मेरे जो सहपाठी है वो उसको अप्रूव करते हैं उसकी एक्टिविटीज से या नहीं करते। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस या फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस। तो वो एजुकेशन कौन सी होती है जिसका कोई ना ही फिक्स्ड कोई पर्पस होता है, ना ही स्पेसिफिक पर्पस होता है, ना फिक्स्ड पीरियड होता है, या फिर ना ही फिक्स्ड प्लेस होता है? तो ये होती है फ्रेंड्स हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग, इनमें से कंपल्सरी एलिमेंट कौन सा है लर्निंग का? एबिलिटी टू रीड, ब्राइट माइंड, टेंडेंसी टू नो या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है टेंडेंसी टू नो। जब आपके अंदर इच्छा होगी किसी चीज़ को जानने की तभी आप सीख पाओगे कुछ, वरना आप कुछ नहीं सीख पाओगे। वाई आर करिकुलम एक्टिविटीज़ यूज इन टीचिंग, जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है वो टीचिंग में क्यों यूज़ करी जाती है? मेकिंग टीचिंग ईजी, जो टीचिंग है उसे ईजी बनाने के लिए। टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव। तो इसका जो, या फिर टू असिस्ट द टीचर, या टू मेक टीचिंग अट्रैक्टिव। तो करिकुलम एक्टिविटीज़ करी डाली जाती है ताकि टीचर को असिस्ट कर सके वो। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड, तो डिडक्टिव मेथड के थ्रू जो टीचिंग होती है वो क्या होती है? वो होती है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट्स साइंटिफिक प्रोग्रेस, तो इनमें से साइंटिफिक प्रोग्रेस को कौन सा सपोर्ट करता है? तो वो करता है फ्रेंड्स रियलिस्टिक एजुकेशन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज हाउ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ, एक बच्चों को या फिर बच्चों को कैसे मोटिवेट करना चाहिए कि वो लाइफ में सक्सेस ला सके? बाय इलेक्टेड स्टडी, इंसिडेंटल स्टडी, इंटेंसिव लर्निंग या लर्निंग बाय रिक्रिएशन। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ इंटेंसिव स्टडी।